the topic we are going to talk further is access to records and personal information so once a record has been established at what situation and what scenarios a client can access that personal information and record mental health professionals and practitioners keep record of their work and client for a variety of reasons this is very much understood that why they have developed such kind of the records like they could be any legal obligation रिलेक्टेंस टू रिलाई ऑन मेमरी आपको कई दफ़ा याद नहीं रहता और अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशन टू अदर प्रोफेशनल्स इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट अ केस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं की हुई तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है देन रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोटेंट डाटा जब आपके पास दोबारा से क्लाइंट आता है उसकी आपने सारे नोट्स उसकी फाइल पर लिए हुए होते हैं तो ईज़िली ट्रेस बैक हो जाता है कि ये किस प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट आया था और इसको फर्दर हमने क्या ट्रीटमेंट देना है एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड सो फार क्या उसके लिए थेरेपी प्लान की गई है उसके लिए क्या जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प जो है अब तक जो है उसको दी गई है या फर्दर उसको देने के लिए क्या प्लानिंग है ये सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट में इजीली अवेलेबल हो जाता है

बी द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट टू डू कंसिडर प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग द्लाइंस इनफॉर्म कंसेंट फॉर द रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहली बात तो यह इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाए और उसके अंदर यह सारा कुछ राइट uh, डाउन किया जाए कि किस सिचुएशन में हम उसके इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं कंसिडर द क्लेम्स एंड सरकमस्टांसिस अंडर विच वेरियस पार्टीज माइट सीकैस एज वेल एज द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन सोर्स सो दैट शुड बी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इन द इनफॉर्म कंसेंट के किन सनारी में कौन सी स्पेसिफिक पार्टीज उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगी बिकॉज दिज आर वेरी सेंसिटिव इशूज दीज आर नॉट द रूटीन थिंग्स ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे हम बहुत कैजुअल ले सकें ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को कितना रिवील करना है इसको ड्यूली रिकॉर्ड में रखना और उसकी पहले से परमिशन लेकर इन्फॉर्म कंसेंट में उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है consider the use of client records for teaching or research purposes, including the use of recordings and photographic materials. Sometimes we have to see any classical case जिसमें कुछ ऐसे इश्यूज हमारे सामने आते हैं जो हमने पहले नहीं देखे होते और उसके साथ हम उनके फैक्टर्स को देखते हैं स्टडी करते हैं कि क्या फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं और कैसे सिम्टम्स हमारे सामने आ रही हैं When वी हैव टू सी एनी सिम्टम्स which इज़ न्यू एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन our सिस्टम और इन अवर सोसाइटी और इन अवर कल्चर वी रियली नोट नोटेड दैट डाउन और हम चाहते हैं कि हम उसको शेयर कर सकें दूसरे लोगों के साथ भी कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्रेजुअली इमर्ज हो रहे हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि डी एस एम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिवाइज होता है और उसका एक नया अपडेट वर्जन आता है वो कैसे आता है उसके पीछे एक पूरी हिस्टोरिकल शिफ्ट होती है जिसमें नए से नई चीज़ों को टाइम के साथ स्टडी किया जाता है जैसे किसी टाइम के ऊपर ऑनलाइन गेमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था या सेल्फी डिसऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था या गेमिंग एडिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद क्लाइंट्स की सिम्टम्स को रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये एक जो है वो शिफ्ट का हिस्सा बने और फाइनली वो डॉक्यूमेंट हुए इन टर्म ऑफ अ प्रॉब्लम इसी तरह कैटेगराइजेशन होती हैं डिफरेंट तो हमें बाजुका टीचिंग परपजेस के लिए रिसर्च परपजेस के लिए इन चीजों को डिस्कस और शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेंट फॉर द रिलीज ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल रिकॉर्ड कैन बी ऑफ ग्रेट असिस्टेंस एंड सब्सटेंशनल डिटर्मिनेट टू द क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेंट एंड न्यूज फॉर इंस्टेंस आपने कुछ ऐसे क्लाइंट्स देखे जिनमें एक खास रेजिडेंस में रहने वाले लोग थे एक खास एरिया में रहने वाले लोग थे और उनमें कुछ नई तरह की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स डिवेलप हुई और एज़ अ थेरेपिस्ट एक थेरेपिस्ट ने उन्हें रिकॉर्ड किया उन्हें नोट किया उसने अपने किसी दूसरे कॉलिग के साथ डिस्कस किया उन्होंने इंटरनेशनल कोलाब्रेशन से हेल्प सीख की कि यहाँ पर इस एरिया में ये सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं यहाँ पर डिमेंशिया में एक नया फीचर आ रहा है यहाँ पर पार्किसन में एक हमें कुछ और तरह के वेरिएशन देखने को मिल रही है डिप्रेशन के, के केसेस में बहुत सारी ट्रांजिशंस आती हैं तो वहाँ पे अब कुछ लोग नए सिम्टम्स देख लेते हैं कि किस एरिया में किस तरह के आपको केसेस देखने को आ रहे हैं तो ये सारी चीजें टीचिंग और रिसर्च के लिए अंडर डिस्कशन एंड अंडर कंसिडरेशन आती है और उसको उसके कंटेंट के मुताबिक डिफरेंट तरह से यूज किया जा सकता है अंडर एच आई पी ए रूल्स ईच कंसेंट और रिलीज फ्राम द मस्ट एट मिनिमम द फॉलोइंग डिटेल्स नाउ अकॉर्डिंग टू द ही पा वेन एवर यू आर गोइंग टू रिलीज एनी काइंड ऑफ द कंटेंट टू एनी वन तो क्या मिनिमम चीज़ें हैं जिन्हें देखना जरूरी है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज डिसक्लोज इन अ स्पेसिफिक एंड अ मीनिंगफुल फोरम अगर आप कुछ भी डिस्क्लोज करें हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी और वो मीनिंगफुल और वो किसी पर्पज के लिए होगी द नेम और अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू डिस्कलोज द इंफॉर्मेशन ना दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैनॉट बी डिसोज बाय एनी वन ये नहीं हो सकता कि वो थेरेपिस्ट का सेक्ट्री भी कर दे उसका जो है वो हेल्पर भी कर दे और कोई भी इंडिविजुअल कर दे दैट शुड भी डेल इन टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर बाई अ ऑथराइज पर्सन ओनली नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द परपज और रिक्वेस्टेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एक कंटेंट डेवेलप करना देट वाई दिस इंफॉर्मेशन इज बींग गि एंड प्रिपेयर टू बी गिवन टू एन अदर पार्टी ये देना और इसका रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ the नेम ऑफ द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन और क्लास ऑफ द पर्सन ऑथराइज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन जैसे देने वाला पर्सन एक ऑथोराइज होना चाहिए उसी तरह रिसीविंग एंड पे जो उसको रिसीव रहा है वो भी एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए वो कोई आम इंसान नहीं होगा जो जैनली या कैजअली उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा एंड एक्सपायरेशन डेट और इवेंट रिलेटेड टू दर्पज ऑफ द डिस्लोजर ये बताना कि ये चीज़ जो हम डिस्कलोज करें हैं किस डेट पे हुई थी और यह कब तक के लिए वैलिड है या उसका जो टाइम स्पैन या टाइम पीरियड या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर मैंशन होनी चाहिए सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग द ऑथराइजेशन एंड डेट ऑफ साइनिंग उसको एक प्रॉपर फाइल करके उस पर डेट लगा के सिग्नेचर करके सील करके फिर उस डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल हैसियत से भेजा जाता है वो इस तरीके से डील नहीं किया जाता कि हम कैजुअली उस इंफॉर्मेशन को कहीं पर सोशल मीडिया पर फ्लोट कर देंगे या जनरल डिस्कशन में लोगों को बता देंगे सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस टू रिकॉर्ड एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन एन एथिकल मैनर